प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाले के सिलसिले में बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर अध्याय को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने उत्तर 24 परगना जिले के टीएमसी नेता अध्याय को बेनगांव के सिमूल टोला में उनके निवास से गिरफ्तार किया। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले शंकर अध्याय और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों को 17 घंटे तक तलाशी ली। रिपोर्ट के मुताबिक संजय अध्याय की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों के वाहनों पर पथराव किया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारियों को आधा को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की। ईडी टीम के साथ चल रहे सीआरपीएफ कर्मियों को स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि तलाशी के साथ साथ अध्याय से पूछताछ भी जारी है। उनके जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद महिलाओं के नेतृत्व में आज्ञा के समर्थकों ने अधिकारियों को उन्हें अपने साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की। हमारे साथ सीआरपीएफ कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। संदेश खाली में शुक्रवार को हुए हमले के बाद केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर यह दूसरा हमला हुआ। ईडी ने बताया कि शुक्रवार को संदेश खाली में टीएमसी नेता सहज हान शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान भीड़ द्वारा उसके वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें उसके 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। भीड़ ने अधिकारियों के निजी सामान जैसे मोबाइल फोन और बटुए भी छीन लिए। शंकर अध्याय को पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री ज्योति प्रियो मल्लिक का करीबी माना जाता है, जिन्हें पिछले साल कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। टीएमसी नेता की संपत्तियों के साथ साथ ईडी ने उनके ससुराल वालों के आवासों, उनके सहयोगी और उनसे जुड़ी एक आइसक्रीम फैक्ट्री की भी तलाशी ली थी। एक ईडी अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज के अलावा अध्याय के ससुराल वालों ने घर से एजेंसी ने लगभग 8 लाख रुपए नगद जब्त किए। अपनी गिरफ्तारी के बाद शंकर अध्याय ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैं ईडी के साथ सहयोग करूंगा और हर संभव तरीके से उनकी मदद करूंगा। उन्हें साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से ईडी पर पश्चिम बंगाल में हमले हुए उसके बाद स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आई और लगातार 2 बार यहाँ पर ईडी कर्मचारियों पर हमला हुआ।